अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सब दा पीरा फकीरा दी नगरी चैनल विच। दोस्तों आज मैं आप सब लई बहुत ही खास वीडियो लेके हाजिर होया हाँ। आज दी इस वीडियो विच स्त्री पुरुष सम्मोहन वशीकरण कामदेव मंत्र दे नाल किवें कीता जा सकदा आ। एक दिन दे विच, सिर्फ एक दिन दे विच ही तुसीं कामदेव मंत्र दे नाल किसी भी स्त्री या फिर किसी भी पुरुष का वशीकरण किवें कर सकते हैं। दोस्तों सौन का बहुत ही पाक महीना चल रहा है, इसलिए तुसीं इस महीने के किसी भी सोमवार या फिर शनिवार को सिर्फ एक दिन ही जो मैं थानूं कम दसांगा वो कम करना है। अते मंत्र जिहड़ा मैं तुहानूं दसांगा बहुत ही छोटा जिहा मंत्र आ, उस मंत्र का जाप करना आ। सिर्फ एक दिन ये काम करन दे नाल ही जिहदा भी तुसीं वशीकरण करोगे वो तुहाडे वश विच होवेगा। सो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, उस तो पहले जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवें हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना, वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। सो दोस्तों अज मैं आप सब नूं अजिहा मंत्र दसांगा जिस नाल तुसीं किसी भी इस्त्री नूं या फिर किसी भी पुरुष नूं पूरे तौर पर अपने वश विच कर सकते हैं। पर दोस्तों ये मंत्र तद ही काम करेगा, तद ही चलेगा जेकर तुसीं चंगे काम लई इस मंत्र का उपयोग करोगे, तद ही ये मंत्र अपना काम करेगा। जेकर तुसीं चाहते हैं कि गलत काम लई कोई तुहाडे वश विच हो जाए तो इस तरह नहीं होगा। पर दोस्तों अजिही शक्ति आ, अजिही विधि आ, इस विधि दे नाल तुहानूं एक दिन दे विच ही शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जिस किसी के उपर भी तुसीं इस विधि का प्रयोग कर दिता वो तुहाडे तो बिन तुहाडे तो बगैर नहीं रह सकेगा। दोस्तों इस विधि नूं कोई भी इस्त्री किसी पुरुष लई या फिर कोई भी पुरुष किसी इस्त्री लई कर सकता है। सो दोस्तों इस विधि लई जिहड़ी तुहानूं समगरी चाहीदी आ वो समगरी पहला सुन लवो, तुहानूं वो समगरी दस दिंदे आ। घर विच तुहानूं आसानी नाल इस समगरी मिल जाएगी, तुहानूं कितें बाहर जाण दी जरूरत नहीं है। कोई महंगा समान नहीं है, सस्ता ही समान आ, घर दे विच हुंदा ही आ। सो दोस्तों इसलिए तुहानूं एक गिलास चाहीदा आ या फिर कोई गड़वी लै लवो या गिलास लै लवो, उस विच पानी पा लवो। जे गिलास लैंदे आ तां गिलास विच पानी पा लवो ते उस गिलास दे आले दुआले मौली दा जिहड़ा तागा हुंदा आ उसनूं सत्त वार घुमा के गठ बन दिओ, यानी कि गिलास विच पानी पा के उस दे आले दुआले सत्त वार मौली दा तागा घुमा के बन दिओ। उस तों बाद तुसीं जिहड़े भी शख्स ते जिहड़े भी इंसान ते तुसीं इस वशीकरण दा प्रयोग करना चाहुंदे आ उस लई तुसीं इक छोटा जिहा कोरा कागज़ लैणा आ, सफेद रंग दा, चट्टे रंग का एक कोरा कागज़ छोटा जिहा लेना आ। उस उपर उस शख्स का नाम लिखना आ जिन्हें तुसीं वश विच करना चाहते हैं। उस शख्स का नाम लिख के उस तो बाद थले नाम दे जमा का निशान बनाना आ, यानी कि प्लस का निशान बना के उस तो थले फिर अपना नाम लिख देना आ। यानी कि उस सफेद कागज़ से तुसीं पहला उस शख्स का नाम लिखना आ जिन्हें तुसीं अपने वश विच करना चाहते हैं। उस तो बाद थले फिर प्लस का निशान बनाना है, जमा का निशान बनाना आ, उस तो थले फिर तुसीं अपना नाम लिख देना आ। ये तुसीं लाल रंग नाल लिख सकते हैं या फिर पीले रंग नाल लिख सकते हैं। उस तो बाद फिर उस कागज़ में तवीज़ वांग फोल्ड कर देना आ अते उस उपर एक लपेटा मौली का चाड़ के गठ बन देनी है। अते उस तो बाद उस कागज़ नूं तुसीं उस पानी दे गिलास विच पा देना आ। उस तो बाद तुसीं फिर उस पानी दे गिलास विच दो छोटियां इलायचियां पा देनियां आ अते दो लौंग पा देने आ, बिल्कुल साफ ते लौंग अते छोटी इलायची, दो लौंग अते दो इलायची पा देनी आ। अते उस तो बाद तुसीं थोड़ा जिहा शहद उस गिलास विच पा देना आ। दोस्तों इस विधि नूं तुसीं सोमवार या फिर शनिवार वाले दिन सवेरे साजरे दे टाइम 6 बजे के आसपास, 6 बजे तो 7 बजे के
लगभग कर सकते हैं। 7 बजे तो बाद नहीं कर सकते, 6 बजे तक 7 बजे तक कर सकते हैं। सवेरे साजरे खाली पेट नरने काल जे ही इस विधि नू करना है। दोस्तों उस तो बाद तुसी ये सारी सामग्री तैयार करके अपने जिहड़ा तुहाडा घर विच पूजा स्थान है उत्ते बैठना है। उत्ते बैठ के तुसी रुद्राक्ष दी माला लैनी है ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ 108 ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਜਲ 'ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ 108 ਵਾਰ ਅਤੇ 108 ਵਾਰ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ 2 ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ 108 ਵਾਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਕਾਮਦੇਵਾਏ ਯਸ਼ੇ ਯਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਸਵਾਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਾਣੀ 'ਤੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਕਾਮਦੇਵਾਏ ਯਸ਼ੇ ਯਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਵਸ਼ੇ ਸਵਾਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਫੂਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 108 ਵਾਰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਆ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ 'ਤੇ ਅਤੇ 108 ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਧੂਫ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਇਹ ਮੰਤਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਔਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਮੇ ਮੰਤਰ ਪਾਠ, ਦੁਆ ਫਰਿਆਦ, ਅਮਲ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ।